This call is now being recorded. बच्चों आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका चैप्टर 4 है और इसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा। देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट है, अप्रोक्स 119 एलिमेंट्स हमारे मतलब अवेलेबल है, लेकिन हम पढ़ते हैं किसके किस किसके बारे में। हमारा चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एलिमेंट आपके 119 एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, अवेलेबल हमारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में स्पेशली अलग से पढ़ते हैं, पढ़ते तो हम लगभग सबके बारे में है, लेकिन कार्बन के बारे में स्पेशली पढ़ा जाता है। जब क्लास 11th में जाओगे तो आप देखोगे एक आपका केमिस्ट्री का ब्रांच ही होता है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप केवल और केवल कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही पढ़ोगे। और 11th ही नहीं, क्लास 12th में भी ये आएगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है क्लास 11th और 12th दोनों में। तो क्वेश्चन आता है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि मतलब इसके बारे में हम अलग से एक ब्रांच बनाते रहे। हम तो ऑक्सीजन का कोई ब्रांच नहीं बना रहे हैं, नाइट्रोजन का नहीं बना रहे, लेकिन कार्बन के लिए अलग से ब्रांच बन रहा है, अलग से 10th क्लास में एक चैप्टर बन रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देखते हैं। देखो कुछ थिंग्स क्या होते हैं, मेटल से बने होते हैं, कुछ ग्लास क्ले से बने हुए हैं, और कोई मतलब अदर, ना मेटल है ना ग्लास का है, कुछ ऐसा। जैसे ये क्या है, ये तुम्हारा मेटल हो गया, ये तुम्हारा ग्लास हो गया, ग्लास और क्ले से बना हुआ, और ये अदर्स। अब सब में क्या कॉमन है, सभी में क्या कॉमन है, कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल, कौन सा एलिमेंट है जो सब में कॉमन है, बता सकते हो आप, इन सभी में क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है भाई, सब में तुम्हारा कार्बन कॉमन है। अरे सिंपल सी बात है ना, चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कॉमन क्या है, सब में कार्बन है, ठीक है, सभी में क्या है, कार्बन कॉमन है। इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, देख रहे हो कितने सारे कंपाउंड यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं, तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे कंपाउंड क्यों होते हैं, ये तुम पढ़ोगे आगे इस चैप्टर में, आगे पढ़ोगे कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावेलेंसी होता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, ये सब तुम पढ़ोगे, ये सब कारण है इसके। तो कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका एक अलग चैप्टर है, और इसका एक क्लास 11th में जाओगे तो एक अलग ब्रांच हो जाएगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा आपका। देखो हमारा अर्थ क्रस्ट पे, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट कार्बन है, तो 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। एटमॉस्फेयर में कितने कार्बन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने है, CO2, तो 0.03% CO2 है, ये सब आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कार्बन, कार्बन जो एलिमेंट होता है ये कैसा एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल होता है। आपको बताया ना ये ऊड लकड़ी वगैरह ये सब में क्या होता है, कार्बन होता है ना, कोल में कार्बन है प्रेजेंट। अरे बताओ अरे भैया कोल में भी कार्बन होता है, कार्बन का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मतलब कोल का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन। कोल में सबसे ज्यादा मेजर क्या रहता है, कार्बन ही होता है। कार्बन का सिंबल क्या है, सी है, सी। आपको पता है ना जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में, मतलब एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हम उसको हम सजाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, वैसे ही कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, नाइट्रोजन का N होता है। तो कार्बन का सिंबल क्या होगा, कार्बन का सिंबल C होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है आप लोगों को, आता है ना। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखोगे तो क्या होगा, 2s2 और 2p4। देखो 6 अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या है, 2p4, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2
कॉमा फोर, टू कॉमा फोर इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या होगा, 2s2 2p4, ठीक है। ये कैसे लिख रहे हैं ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। अरे ये कार्बन का यहाँ जो तुम्हारा ये बताओ वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा कार्बन का बता सकते हो आप, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या हुआ कार्बन का, फोर हुआ। यस कार्बन का जो वैलेंसी हुआ वो फोर हुआ, क्यों फोर हुआ, क्योंकि देखो आउटर जो तुम्हारा ये क्या है टूपी में कितने इलेक्ट्रॉन है, टूपी में फोर इलेक्ट्रॉन है, टूपी में फोर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन का वैलेंसी फोर हुआ। और जितना वैलेंसी होता है ना उतना ही मैक्सिमम बॉन्ड बन सकता है, तो कार्बन का वैलेंसी फोर है तो मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बनाएगा, फोर। और बॉन्ड क्यों बनाते, बॉन्ड जो बनता है ना वो जनरली बॉन्ड बनेगा तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, मतलब ऑक्टेट रूल मतलब क्या हुआ, अगर देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, चार इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा ये चार आठ में चेंज हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए, जिससे क्या हो ये स्टेबल होगा, बॉन्ड बनेगा स्टेबल होने के लिए, स्टेबल कैसे होगा ऑक्टेट पूरा करके। तो ये जो 2p4 है ना ये चाहेगा चार इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जिससे क्या हो इसका तुम्हारा क्या हो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका वैलेंसी क्या हो गया, फोर हो गया, वैलेंसी क्या हो गया, फोर हो गया, फोर हो गया। इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, चार। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, चार। चार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे, आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन थे, चार ये बॉन्ड बना लेगा, चार ये बॉन्ड बना लेगा, तो चार इलेक्ट्रॉन पहले से था और चार बॉन्ड बना लिया तो क्या हो गया, चार चार आठ इलेक्ट्रॉन, टोटल क्या हो जाएंगे आठ, यानी कि ऑक्टेट उसका पूरा हो गया, ठीक है। टू गेन स्टेबल स्टेट कार्बन स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब वो कैसे बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो क्या करे, चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जिससे क्या हो जाएगा उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और उसका ऑक्टेट पूरा होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो स्टेबल होगा। लेकिन क्या यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, अगर वो चार इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, बट प्रोटॉन की संख्या रहेगी उसके पास मात्र 6। आपको पता है ना कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, 6 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन भी 6, ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये चार इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या चार इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हो गया, 6+4 यानी कि 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है, प्रोटॉन तो 6 है, जिसकी वजह से क्या हो गया, 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन रखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए चार इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। अगर वो चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं गेन कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन की संख्या मात्र 6 है, अगर वो चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 10, तो जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जिसके वजह से स्टेबल नहीं हो पाएगा वो, इसलिए चार इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं करेगा। चार इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या वो चार इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले क्या, चार इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो चार इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किया ना तभी भी प्रॉब्लम है, चार इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करेगा तभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अब देखो क्या हो गया,
अगर वो चार इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी कितनी, सिक्स। चार इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करेगा तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, प्रोटॉन तो अभी भी सिक्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले सिक्स था माइनस फोर किए तो क्या आ गया टू। इस बार क्या हो गया, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो अभी भी बहुत सही नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो बहुत सही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए चार इलेक्ट्रॉन को लॉस भी नहीं कर सकता। मतलब कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है ना ही चार इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पा रहा है, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन को ना गेन कर पा रहा है ना ही लॉस कर पा रहा है। तो अब क्या करेगा कार्बन, कैसे बॉन्ड बनेगा, तो एक नया तरह का बॉन्ड बनेगा। अगर देखो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है ना उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है ना ही लॉस कर पा रहा है, तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तो ये समझना तुम क्या हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के पास भी 5,000 रुपए हैं, और एक मार्केट में फोन बिक रहा है जिसका दाम है 10,000। अब बताओ आपके पास 5,000 रुपए, क्या ये तुम फोन खरीद सकते हो, ये फोन का प्राइस है 10,000 और आपके पास 5,000 रुपए है, तो ये फोन तो आप नहीं खरीद पाओगे, ये फोन आप नहीं खरीद पाओगे। आपके फ्रेंड के पास भी कितना है, 5,000 रुपए, वो भी ये फोन नहीं खरीद पाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर आप दोनों अपने अपने पैसे का को मतलब एक साथ इकट्ठे करो, शेयर करो, और फिर तुम ये पैसे लेके जाओ, तुमको फोन मिल जाएगा कि नहीं, अरे मिल जाएगा कि नहीं बताओ, yes, मिल जाएगा ना। आपके पास पहले 5,000 रुपए था, आपके फ्रेंड के पास 5,000 था, आप अकेले फोन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप दोनों ने अपने पैसे इकट्ठे किए टोटल 10,000 रुपए आपके पास हुए, आप मार्केट में जाओगे फोन आसानी से ले लोगे। अब बताओ ये 10,000 रुपए देके आप फोन लेके आए, तो ये फोन किसका हुआ, ए का हुआ या बी का हुआ या दोनों का हुआ, दोनों का, ये फोन ये दोनों का हुआ। तो ये जो तुम फोन लाया ना ये शेयरिंग ऑफ मनी से, पैसे की शेयरिंग करके तुमने ये फोन लाया है। अब ऐसे ही क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड भी कैसे बनेगा, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बन जाए, जैसे एक कार्बन था एक और कार्बन था, ये कार्बन अपना चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास भी इसका भी वैलेंसी क्या है, फोर, ठीक है। अब ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन ना तो इसको दे रहा है ना ही ये चारों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अगर ये लोग आपस में अगर शेयरिंग करें और तब जाके अगर बॉन्ड बने ना, तो वो बॉन्ड कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन इसको दे, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इसको मैं ए बोलूं और इसको मैं बी बोल रहा हूं, तो ए वाला हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन बी को नहीं दे, बी वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ए को ना दे, दोनों क्या करें, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। मतलब ये बोले कि ये इलेक्ट्रॉन, चलो हम इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी कहलाएगा और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा भी कहलाएगा। जैसे ये 5,000 रुपए तुम्हारा जो है ये ए का भी हो गया, और ए का 5,000 रुपए बी का भी है, जिससे क्या हुआ, दोनों ने फोन लिया और वो फोन उन दोनों का है, ए का भी है बी का भी है। तो शेयरिंग ऑफ मनी से जैसे तुम मोबाइल लेके आए फोन लेके आए वो दोनों का था, वैसे ही अगर बॉन्ड बनाओगे इलेक्ट्रॉन की शेयर करने से, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे देखना ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है। इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नहीं, कार्बन के अलावा भी एलिमेंट है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कार्बन के अलावा भी है। कौन कौन से? ऑल नॉन मेटल फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। आपके सामने एक पोल है, इसको आप आंसर कर देना, ठीक है, एक पोल है इसको आप आंसर कर देना। देखो कार्बन के अलावा जितने भी नॉन मेटल है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से। वहां पे इलेक्ट्रॉन को पूरा नहीं दे दिया था, जैसे ऐसा नहीं है कि वो तुम 5000 रुपए अपने दोस्त को पूरा दे दिए। वो जो 5000 रुपए से आपने जो 5000 रुपए लिया, आपके फ्रेंड ने 5000 रुपए लिया, दोनों मिला के जो फोन लिए वो दोनों का लगा। यहाँ पे जो फोन लिए थे ये दोनों का हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ए ने पूरा 5000 रुपए बी को दे दिया या बी ने अपना पूरा पैसा ए को दे दिया, ये दोनों मिला के शेयर करके फोन लिए थे। तो वही होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब आओ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। एक और हाइड्रोजन लोगे, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, 1। अब क्या होगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिससे क्या हो, देखो बॉन्ड बनाता है ना तो वो चाहता है कि अपना या तो ऑक्टेट पूरा करे, अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होने वाला होगा ना तो वो क्या हो, हीलियम जैसा बन जाए। जैसे हाइड्रोजन चाहेगा कि हीलियम जैसा बन जाए, हीलियम इन द सेंस, हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। तो जो बॉन्ड बनेगा तो वो चाहता है कि अपने अपने मतलब पड़ोस वाला जो नोबल गैस होता है ना उसके जैसा वो हो जाए। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है? 1s2। हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, या तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो देखो एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। पहला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक सिंगल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जिसकी वजह से बॉन्ड बना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों सिंगल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आया था, दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए थे और शेयर किए थे जिससे बॉन्ड बना था। तो डबल बॉन्ड कब बनेगा, तो हाइड्रोजन के केस में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड तुम्हारा बनेगा ऑक्सीजन के केस में। एक सिंगल बॉन्ड का एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन वाला। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारा लास्ट में क्या होगा, 7 आएगा, लास्ट में तुम्हारा 7 होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है, तुम्हारा यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगा क्लोरीन का, चूंकि ये 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका मतलब इसको ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, मात्र 1। अगर 1 मिल जाए क्लोरीन को तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ऑलरेडी है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेना, एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको ज्यादा नहीं, एक ही बस, एक चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। चलो भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया,
अपने दूसरे क्लोरीन से, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लोरीन क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, कैसा बनेगा सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बना सिंगल, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, इसलिए क्या होगा ये भी तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम देखोगे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सिक्स, क्योंकि लास्ट में सिक्स आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स आ रहा है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र दो, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा किसके साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है इसलिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना डबल बॉन्ड, और तुम यहाँ पे देख रहे होगे ये जो तुम्हारा देखो यहाँ पे शेयरिंग दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो फोर फोर रेड डॉट है, वो रेड जो फोर है वो क्या है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या है शेयर किए गए, दो ये पहला वाला ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा वाला ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना इसलिए डबल बॉन्ड होगा, दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बना इसलिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। अब आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन तुम्हारा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन का फाइव, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फाइव, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका फाइव है और सारे के सारे सारे बॉन्ड बनाते हैं तो क्या चाहते हैं ऑक्टेट पूरा करना, ऑक्टेट पूरा करना मतलब इसको तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तीन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके पास तीन की कमी है, जितनी की कमी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन के पास दो की कमी थी दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, हाइड्रोजन को एक की कमी थी, क्लोरीन को एक की कमी थी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, नाइट्रोजन को तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है यस सर। नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा बॉन्ड बना तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, देख रहे हो तीन इलेक्ट्रॉन, पहला नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन लाया, टोटल कितने हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे शेयरिंग में देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया, देख रहे हो सिक्स, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाया गया सिक्स, ठीक है, तो चूंकि सिक्स इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनना है तो इनके बीच में क्या होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है ना H2O को वाटर बोलते हैं, H2O में क्या होता है हाइड्रोजन कितना होगा हाइड्रोजन दो होगा और एक ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है, वैलेंसी क्या होता है हाइड्रोजन का वैलेंसी हाइड्रोजन का वन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट होता है और उसका वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन का दो, अब ऑक्सीजन चाहता है दो बॉन्ड बनाता, हाइड्रोजन चाहता है वन बॉन्ड बनाना, वैलेंसी वन है, ठीक है, ये चाहेगा वन एक बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन चाहेगा दो बॉन्ड बनाना, और आपको अगर पता होगा तो ऐसे ही कुछ बॉन्ड होता है वाटर ऐसे ही होता है, ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना ही रहा है देखो और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, कैसे तो देखो एक हाइड्रोजन के साथ उसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होगा और एक इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होगा और टोटल ऑक्सीजन के पास पहले से छह इलेक्ट्रॉन था ही, दो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया ऑक्टेट पूरा हो गया, छह इलेक्ट्रॉन था दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया छह दो आठ ऑक्टेट पूरा, चलो ऑक्सीजन का हो गया काम, और हाइड्रोजन तो वैसे भी एक बॉन्ड बनाता है उसको ऑक्टेट पूरा नहीं करना है उसको बस दो बॉन्ड बना लेगा हो जाएगा ड्यूप्लेट से वो खुश रहेगा,
ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है, तो देखो सब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए सिंगल बॉन्ड होता है। देखो जितने बॉन्ड होते हैं ना, अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो क्या कर रहे हैं वो लोग तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। वाटर में क्या हो रहा है सारे के सारे, हाँ तू सर बोलो। बॉन्ड देखो, बॉन्ड अगर मान लो जैसे तुम्हारा एक तरह से फ्रेंडशिप, तुम्हारा किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गया, तो तुम क्या हो गया उस, जैसे अब मान लो तुम्हारा ये तुम हो, ये तुषार तुम हो और ये तुम्हारा भाई है, तुम दोनों के बीच में एक बॉन्ड है कि हाँ वो तुम्हारा भाई है। इसी तरह से एलिमेंट जो होते हैं ना वो बॉन्ड बनाते हैं जिससे वो स्टेबल हो रहे हैं। अगर वो बॉन्ड में बना के नहीं रखेंगे ना तो वो स्टेबल नहीं होगी। जैसे तुम, आपको पता है ना नेचर में क्या होता है, O2 प्रेजेंट है, N2, H2, ये सब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन जो गैस होता है ना, तुम ये पढ़े हो ना ये सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट, H2 गैस निकलता है। हम नहीं पढ़े कि हाँ एसिड में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। CO2, CO2 भी क्या है एक बॉन्ड है। एक्चुअली नेचर में क्या होता है, ये लोग बॉन्ड बना के रखते हैं और बॉन्ड बनाने से उनको फायदा क्या होता है, वो स्टेबल हो जाते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल वो अनस्टेबल होंगे। जैसे तुम हाइड्रोजन, तुम चाहोगे कि अकेला केवल हाइड्रोजन रहे एलिमेंट, नहीं वो अकेला नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल होने के लिए क्या रहेगा, वो अपना एक दोस्त बनाएगा। किसके साथ फ्रेंडशिप किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप किया, क्या किया वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप किया। तो जो फ्रेंडशिप कर रहा है ना वही क्या हो रहा है, वो बॉन्ड बन रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड, बॉन्ड बनता है जिससे क्या हो, स्टेबल। और ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी बॉन्ड बना ले, वो स्टेबल कब होगा, जब वो ऑक्टेट पूरा करे। या हाइड्रोजन केस में क्या हो, वो दो मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो ड्यूप्लेट पूरा, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट करेगा बाकी लोग ऑक्टेट पूरा। जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहता है ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स था, तो वो चाहेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी कि ये दो बॉन्ड बनाएगा। CO2 में कार्बन क्या होगा, कार्बन तुम्हारा चार बॉन्ड बनाएगा। हाँ देखो ये कार्बन तुम्हारा चार बॉन्ड बना रहा है, पता है ना कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है जिससे क्या हो, स्टेबल हो जाए। और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है जिससे ऑक्सीजन स्टेबल हो जाए। तो सभी की सभी क्या बॉन्ड क्यों बनाएंगे, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होता है, उसका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट पूरा होने से क्या होता है, देखो ऑक्टेट पूरा होगा ना तो उसको नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। वो क्या अचीव किया, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो यही यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये तुम्हारा कैसे वाटर का बॉन्ड बन रहा है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। देखो ऑक्सीजन का तुम्हारा छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक। और ये लोग बॉन्ड बनाएंगे कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। चलो ये यहाँ पे शेयर होगा, ऐसे गोला कर देंगे, यहाँ पे इनको ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन का तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी तुम्हारा ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ऑक्टेट पूरा हुआ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन स्टेबल, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बनाएगा, ड्यूप्लेट पूरा होगा, हाइड्रोजन स्टेबल। देखो ऐसे ये हो गया, देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो दोनों तुम्हारे गोला क्या हो गया, एक में चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, कैसे तुम कर रहे हो शेयर हुआ, इधर देखना यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया कि शेयरिंग कैसे हो रहा है। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में गए और देखो यहाँ पे जो सर्कल बनाया गया, देखो इसी सर्कल में दोनों दोनों डॉट है कि नहीं, और इस ये जो सर्कल है ये देखो इस कॉमन है ना सर्कल, देखो ये जो पार्ट है ये, देखो ये पार्ट दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है। ये जो पार्ट है
ये भी दोनों के लिए, मतलब इस हाइड्रोजन के लिए भी है और इस ऑक्सीजन के लिए भी। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसी में दो ऑक्सीजन मतलब दो डॉट को दिखा दिया गया। इससे क्या हो ये बता रहा है कि वो जो दोनों डॉट है वो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ने शेयर किया है, हाइड्रोजन ने भी शेयर किया है ऑक्सीजन ने भी शेयर किया, दोनों ने शेयर किया है। चूंकि दोनों ने शेयर किया है यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ये बना है, इसका मतलब क्या है ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट। जैसे मिथेन का फॉर्मेशन दिखाया जाए, देखो फिर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक, वैलेंसी क्या होता है एक, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है एक है, कार्बन का वैलेंसी क्या है चार, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। देखो मीथेन के साथ देखना यहाँ पे कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखना ये कैसे शेयरिंग होगा, ये पास में है हो गया शेयर। अब देखो एक कॉमन पार्ट में कॉमन जो एरिया है इसी में देखो दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, ये जो कॉमन एरिया इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, कॉमन एरिया में दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चूंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है तो कैसा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है ये मीथेन है, CH4 को मीथेन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन अभी जस्ट हमने बात किया ही था, यहाँ पे फिर से एक बार देख लो कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, कार्बन अपना चार इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अपने मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, दोनों के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है इसलिए इनके बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड, और CO2 कुछ ऐसा दिखेगा, CO2 कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्रॉपर्टीज जो होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आज तो हम बॉन्ड के बारे में देखेंगे कि क्या देखे, आज हमने देखा कि कार्बन क्या बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बने वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग मतलब क्या हो गया, जैसे तुम्हारा एक फोन लेना था आपको 10,000 का फोन है, आपके पास मात्र 5,000 रुपए तो वो फोन आप नहीं खरीद पाओगे, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ मान लो तुम्हारे फ्रेंड के पास ही 5,000 रुपए है, वो भी अपना 5,000 रुपए लाए, तुम भी अपने लाए, दोनों ने पैसे मिलाए और वो फोन खरीदे, तो वो फोन तुम दोनों का हुआ, वो फोन तुम दोनों का है, और वो कैसे हुआ तुमने पैसे को शेयर करके फोन लिया, तो शेयरिंग ऑफ मनी से जो तुम फोन लिए थे ठीक है वो दोनों का था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कार्बन कैसा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ तो सर बोलो भाई क्या हुआ, तो सर हैंड इज क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी बनते हैं। हाँ बनते, अभी हमने देखे ना वाटर CO2 नहीं देखा हमने CO2 वाटर ये सब, और देखो ये जो आप प्रॉपर्टीज होता है ना कोवेलेंट कंपाउंड का ये तुम एक बार पढ़ लेना, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसियस, ये तुम्हारे क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, गैस के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, और कुछ सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है। कोवेलेंट कंपाउंड तुम्हारे तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, दे आर यूजुअली क्या होगा यूजुअली लिक्विड और गैसियस फॉर्म में रहते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, इसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, एक्सेप्ट करके मतलब डायमंड को छोड़ के कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, डायमंड का हाई होता है डायमंड को छोड़ के, क्योंकि इनके पास क्या इनके बीच क्या है इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम। जैसे कि तुम एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल को देख सकते हो, पेट्रोल क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है लो है, वो इजिली तुम रूम में रखोगे पेट्रोल आपका वेपर बन के उड़ जाएगा। ये देखो पेट्रोल पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, यानी कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे आप रिफाइन में तुम क्या डालो हेयर ऑयल डालो, दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएगा, अरे या फिर मस्टर्ड ऑयल में ठीक है किरोसिन, जैसे तुम मान लो किरोसिन और डीजल को मिक्स करो वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन किरोसिन में तुम वाटर को मिक्स करो वो मिक्स नहीं होगा, किरोसिन में वाटर को मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा, यानी कि वो इनसॉल्युबल है। तो ये क्या होता है पेट्रोल वगैरह इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, लेकिन ये सॉल्युबल हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे।
ये क्या होते हैं, हीट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट कंपाउंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे एक कोल है, कोल कोल है, लकड़ी है, ये सब क्या है, उससे हीट थोड़ी कंडक्ट हो सकता। कोल में क्या है, कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये सब क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, कोवेलेंट कंपाउंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। अक्रेस ऑफ कार्बन, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपका होमवर्क यही है कि इसको पढ़ के आना, ये स्लाइड में भेज दिया लैपटॉप ऑफ कार्बन वाला, ये आप पढ़ के आना एक बार, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ के चलो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट भाई?